नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 11th इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो पेपर अंग्रेजी का पेपर होने वाला, बिल्कुल यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। जल्दी से आप इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का और पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए से, रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पेसेज पूछे जाने वाला है। सबसे पहले आपको इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस पेसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन मिलेगा, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन मिलेगा, तीसरे क्वेश्चन में हमारा राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, पर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है, पांचवे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे क्वेश्चन हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा सिक्स वाला क्वेश्चन दिया है, सिक्स वाला क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। छठे क्वेश्चन में हमारा डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेवन वाला क्वेश्चन देखिएगा, सेवन क्वेश्चन में आपका डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा एट वाला क्वेश्चन दिया, इसमें हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर नाइन वाले क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 10 वाला क्वेश्चन है, 10 वाले क्वेश्चन में हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टू में आपको कहना है, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पेज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद आपको यहाँ पर नोट्स बनाना है, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर देख लेगा हमारा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हमारा सेक्शन बी से, इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको एक एडवर्टाइजमेंट आपको देना है, और इसके और वाले क्वेश्चन आपको सेव द एनवायरमेंट, इसका पोस्टर आपको बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन फोर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन फोर में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। उसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें एक लेटर लिखना है। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन फाइव में आपको क्या करना है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको 120 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट आपको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन सी से ग्रामर वाला क्वेश्चन देखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इनके आंसर आप लगाते जाइए। जैसे हमारा पहला दिया है, पहले का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर लगा लीजिएगा, इसमें हमारा ए आ जाएगा। दूसरा आंसर लगा लीजिएगा, दूसरा में हमारा हुल आ जाएगा। और तीसरे में हमारा यहाँ पर ओप हो जाएगा, और चौथे में हमारा राइट आंसर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद पांचवे में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बट हो जाएगा, और छठे में हमारा ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेवन में आपको क्या करना है, डू अस डायरेक्ट करना है। ये आपकी क्वेश्चन पांच नंबर का आने वाले, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन डी से हमारे टेक्स्ट बुक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, तो इस पेसेज अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए, पहले का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लिया, तीसरे क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर सी वाला। और चौथे क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा, चौथे क्वेश्चन में हमारा राइट उत्तर पर आ जाएगा बी वाला। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन दिया, पांचवे क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा, पांचवे हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नाइन दिया है, क्वेश्चन नाइन का ए वाला, रीड द पोएम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर पॉइंट्स के लाइनें दी गई है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इनको देखने के बाद ही आपकी परीक्षा 3 नंबर का आने वाला है। उसके बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर कहते हैं 3 क्वेश्चन दिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लगा, पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ए वाला हो जाएगा। दूसरे में हमारा हो जाएगा आप पर ए वाला, और तीसरे में हमारा हो जाएगा आप बी वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया क्वेश्चन 9 का बी वाला, इसमें भी आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया है, इस पेज को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा, पहले हमारा ए वाला हो जाएगा, दूसरे में हमारा यहाँ पर ए वाला, तीसरे में हमारा हो जाएगा पर कौन सा हो जाएगा पर, सॉरी
यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें हमारा ए वाला, दूसरे में हमारा हो जाएगा आपका सी वाला, और तीसरे में हमारा हो जाएगा आपका बी वाला। उसके साथ ही यहाँ पर हमारे चौथे में हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चौथे में हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 10 दिया आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन जवाब देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इनकंस आपको देख लेना आपकी किताब से, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेगा हमारा क्वेश्चन 11 दिया है, इसका आंसर भी आपको लगा लेना आपकी किताब से देख कर और याद कर लेना, जैसे आपके 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी आपको देख लेना अच्छे से, याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 क्वेश्चन दिया है, इसका भी आंसर आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया है, इसका भी आंसर देख लेना है। 15 क्वेश्चन आपका दिया है, इसका आंसर भी आपको देख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था पेसेज वाला, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपका सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला, और तीसरे में आपका डी वाला। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथे में सी वाला, और पांचवे में हमारा बी वाला, छठे में हमारा डी वाला, सातवें में हमारा डी वाला, उसके बाद यहाँ पर आठवें में हमारा बी वाला, और नौवें में हमारा बी वाला, और दसवें में हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो में आपको क्या करना है, आपको टाइटल और नोट्स यहाँ पर तैयार करना है। तो किस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, यहाँ पर आपके लिए इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। इसका हमारा टाइटल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स बना के लिखना है। इसका आगे के आपको दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर आपको हो जाएगा, जिसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट आपको देना है, एक विज्ञापन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप अपनी बुक से भी देख कर यहाँ पर चैप्टर सर्टिफिकेट की आप एप्लीकेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका आगे का भी आपको दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर आपको हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको डू वर्स डायरेक्टेड करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे के बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, पांचवे का आपका आंसर दिया है, पांचवे के बाद हमारा छठे का आंसर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 8 के आपके आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 9 के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 9 के आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।